अरे मास्टर। हाँ। क्या हुआ? ट्रेन उतर गई है। अच्छा। और मास्टर, बहुत दिन बाद दिखाई दे रहे हो, कहाँ से आ रहे हो? जरा फैजाबाद तक गया हुआ था, वहीं से आ रहा हूँ। फैजाबाद? कहीं घर के लिए तो नहीं गए थे? मैं उसी काम से गया था। अरे मास्टर, फर्जी परेशान हो रहे हो, यहीं रहो, हम लोगों के साथ घर मिल जाएगा। बस उम्मीद तो यही है। अरे उधर कहाँ, कहीं पुराने घर की तरफ तो नहीं जा रहे हो? हाँ वहीं जा रहा था। देखो, लेकिन वो भूतिया रास्ते वाली अफवाह से बच कर रहना। अरे मास्टर जी, अरे मास्टर जी, बहुत दिनों बाद दिखाई दे रहे, सब ठीक तो है? और इधर कहाँ, पुराने वाले घर की तरफ? हाँ वहीं जा रहा था। वैसे मास्टर जी, आपके जाने के बाद आपके लड़के ने सब कुछ बेच दिया। अरे मेरे जाने से पहले अगर वो मेरे पास आ जाता ना बेचने के लिए, तो आज मेरी अरे छोड़िए मास्टर जी पुरानी बातों को, हालत तो हम सभी की खराब है, और घर के लिए तो आप जानते हैं हम सभी परेशान हैं। परेशान ना होइए, घर मिल जाएगा, ठीक है? ख्याल रखिए। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं। किसी को ये रास्ता पार करने के लिए ढूंढ रही थी, और मेरा फोन भी स्विच ऑफ हो गया है, जिसको बुलाया था वो तो आया नहीं, और इत्तेफाक से आप दिख गए। अरे अरे सुनिए तो, आप इत्तेफाक पे भरोसा रखते हैं? और भूतों पे? अरे मैं तो मजाक कर रही थी, आपने तो मुझे सच में भूत समझ लिया। अच्छा, आपको इस रास्ते के बारे में कुछ पता है? तभी आप रात को इस रास्ते पर अकेले घूम रहे हैं। इस रास्ते पे मेरा घर पड़ता है। अच्छा, पर आप घूम के भी तो जा सकते थे ना, आपने ये रास्ता क्यों चुना? इस रास्ते से मेरा घर पास पड़ता है। ओह, वैसे आपको पता है, लोग ऐसा बोलते हैं कि ये रास्ता भूतिया है। पता नहीं मुझे। वैसे कभी सोचा है आपने, आपका किसी सुनसान रास्ते पर किसी आत्मा से मिलन हो जाए तो आप क्या करेंगे? मुझे नहीं मालूम। आप रुक क्यों गए? मेरा घर आ गया। लगता है हमारा सफर यही तक का है। अच्छा, आप बुरा ना माने तो क्या आप मुझे आगे तक छोड़ देंगे? एक्चुअली ना, आगे बहुत अंधेरा है और मैं अकेली हूँ। ठीक है, चलो। वैसे भरोसा कितनी अजीब चीज होती है ना, आप किसी पे करते हो, कोई आप पर करता है।
और आखिर में कोई ना कोई उसे तोड़ देता है। मैं कुछ समझा नहीं। मैं अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बात कर रही हूँ। अपनी शादी के मंडप से मैं उसके लिए भाग गई, पर वो नहीं आया। उसने मेरा भरोसा तोड़ दिया और अब बस उसी की तलाश में मैं इन रास्तों पर इधर से उधर भटक रही हूँ। पता नहीं कहाँ होगा वो। श्रेया, ये क्या तरीका है रुद्र? मुझे इस इंसान रास्ते पर बुला के तुम खुद ही गायब हो गए। श्रेया, मैं क्या करता? मैं तुम्हारा बहुत देर से वेट कर रहा था। इवन तुम्हें कितने कॉल किए लेकिन तुम्हारा फोन स्विच ऑफ, और उसके बाद फिर एक यही रास्ता था तो मुझे लगा तुम इधर से ही आओगी, तभी मैं वेट कर रहा था यहाँ पर। हाँ यार, ये फोन भी आज ही स्विच ऑफ होना था। अरे वो तो अच्छा हुआ कि ये अंकल मुझे मिल गए। श्रेया, इट्स ओके, बट मुझे यहाँ कोई अंकल नहीं दिख रहे। अरे ये अंकल, यहाँ कोई अंकल नहीं है। अंकल थे साथ में। श्रेया, तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे यहाँ कोई अंकल नहीं दिख रहा। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता ना तो पास में उनका घर भी है, मैंने देखा है। चलो मेरे साथ। घर और यहाँ? तुम्हें लगता है यहाँ 5 किलोमीटर तक कोई घर भी है क्या? हाँ, यहाँ कोई घर नहीं है। इवन यहाँ पर बहुत समय पहले कुछ लोग रहा करते थे जिन्होंने एक रात न जाने क्यों फांसी लगाकर अपनी जान दे दी, और तभी से उनकी आत्मा यहाँ भटक रही है, और तभी से इसे भूतिया रास्ता भी कहते हैं। नहीं रुद्र, अंकल मेरे साथ थे, मेरा विश्वास करो। श्रेया, यहाँ कोई अंकल वंकल नहीं, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। नहीं, वो यहीं थे मेरे साथ। श्रेया, यहाँ कोई अंकल वंकल नहीं है, तुम गाड़ी में बैठो। रिलैक्स, अभी मैं तुम्हारा मूड ठीक करता हूँ। अभी रिलैक्स, पीछे बॉटल में पानी रखा है, पी लो। मास्टर को तो अपना घर मिल गया, अब हम लोगों को।